इतना मस्त लगता है ना इस टाइम पे, यू नो, सुबह सुबह अगर आप चैनल पे, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो फिर आपको पता ही होगा कि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, एंड यू नो इतना ज़्यादा पीसफुल लगता है। वन थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव टू डू इज़ मैं सुबह सुबह मेरे टेरेस पे आता हूँ एंड आई ड्रिंक टी, एंड वो चीज़ करने के लिए मुझे अब से लाइक बहुत जल्दी उठना पड़ता है। लाइक टुडे आई वोक अप एट अराउंड 5:30, अभी इट इज़ 6:01 एंड फिर भी इतनी ज़्यादा लाइक सनलाइट ऊपर आ गया है। सो मुझे टू डू समथिंग दैट आई लव मुझे जल्दी सोना पड़ता है। मुझे मेरा पहले का लाइक मुझे मेरा द डे बिफोर काफ़ी अच्छे से अरेंज होना पड़ता है फॉर मी टू वेक अप एट 5:30 जस्ट टू डू समथिंग दैट आई लव, दैट यू नो नो वन इज़ लाइक नो वन, मुझे कोई देख नहीं रहा मैं चाय पी रहा हूँ या फिर इट इज़ नॉट लाइक टू ग्लैमरस। तो फिर आई जस्ट वॉन्ट यू टू कमेंट डाउन बिलो कि ऐसी कौन सी चीज़ है, यू नो, दैट इज़ ऑल्सो व्लॉगिंग फॉर मी, दैट इज़ ऑल्सो स्टोरी टेलिंग फॉर मी, दैट इज़ ऑल्सो कुकिंग फॉर मी। सो आई वॉन्ट यू टू कमेंट कोई भी एक चीज़ जो कि आपके लिए ऐसी है, यू नो, दैट यू वुड बी डूइंग regardless of, you know, आपको कोई देख रहा है आपको कोई नहीं देख रहा, that does not matter to you, you would be doing it regardless अगर आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा। सो या जस्ट कमेंट डाउन, ऑल्सो और एक चीज़, मेरे 3 दिन पहले ना कॉलेज ख़त्म हुआ, तो फिर आई डिड नॉट वेट इन कॉलेज क्योंकि मतलब मुझे वो ऐसा डिप्रेसिंग फीलिंग नहीं चाहिए था। आई रिमेंबर कि 12th जब ही ख़त्म हुआ था, अरे वो लास्ट डे ऐसा एकदम डिप्रेसिंग फीलिंग जो लिंगर होता है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। सो आई जस्ट लेफ्ट कॉलेज एंड यू नो कॉलेज का एंड यूट्यूब का देर इज़ यू नो एक ऐसा यू नो आई लाइक वो कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट यू नो जब भी कॉलेज में आप होते हो, जब भी आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप यू स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स लाइक फॉर एक 1 month 2 months 3 months एंड उसके बाद जाके एग्ज़ाम देते हो। वेर एज इन यूट्यूब देर इज़ नो एग्ज़ाम, क्योंकि आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो तभी आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, देर इज़ लाइक नो स्टडी टाइम, ऐसा कुछ टाइम नहीं होता कि यू नो मैं इस वीडियो के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई जस्ट थॉट अबाउट इट कि सुबह वीडियो बनाऊँगा एंड अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो इट इज़ दैट यू नो मतलब काफ़ी ज़्यादा दो ऐसे डिफरेंट माइंड सेट्स होते हैं कि लर्निंग अलॉन्ग द वे वर्सेस प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग फॉर लाइक जस्ट इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ योर एनर्जी, क्योंकि लास्ट के आई रिमेंबर 2 to 3 weeks देर वॉज नथिंग मोर दैट आई कुड गिव मेरे एग्जाम्स के टाइम लास्ट सेमेस्टर में। एंड आई एम ग्रेटफुल कि वन ऑफ माई हॉबीज इज़ यूट्यूब, सो आई गेट टू एक्सपीरियंस बोथ ऑफ दैट। एंड यू नो लाइक फॉर एवर अ लर्नर माइंड सेट है, यू नो लाइक कॉलेज ख़त्म हो गया, सो इट इज़ नॉट दैट यू नो लाइक लर्निंग या कुछ ख़त्म हो गया है। हमेशा कुछ ना कुछ यूट्यूब से या फिर यू नो कोई कोर्स वगैरह छोटा मोटा कुछ ना कुछ करते ही रहूँगा। हाँ, थोड़ी डस्ट एलर्जी भी हो गई है काफ़ी, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह छींक आती रहती है। यू नो रिसेंटली वो जो एम्बर हर्ड वैसे जॉनी डेप का ये था ना, मैं तो कुछ इतना देख विक नहीं रहा वीडियोस वगैरह, बट उसकी वजह से आई स्टम्बल्ड अपॉन वो जो ये वाला थीम सॉन्ग है ना, पायरेट्स ऑफ द करेबियन वाला। सो आज का आई थिंक एडिट जो होगा ना, वो आई थिंक आई वुड ट्राई एडिटिंग इट टू दैट सॉन्ग, क्योंकि काफ़ी नॉस्टैल्जिक सॉन्ग है। इफ़ यू जस्ट लिसन टू इट वंस ना, तो फिर वो ऐसे एकदम बचपन की याद आती है। वो ऐसा एकदम वर्कआउट सॉन्ग, वर्कआउट टाइप सॉन्ग तो है नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू एडिट टू दैट वीडियो। या अभी तो आई जस्ट एन्जॉय चाय एंड या जिम में मिलते हैं। जिम अभी 6 बज गए, मी एंड उनैन विल गो टू द जिम एट अराउंड 9, सो या सी यू गाइज देयर। सो हाउ टू मेक अ स्ट्रिंगर 101, सबसे पहले तो चीज़ है ना, बहुत लोग जो मिस्टेक करते हैं ना, लग रहा है फिटनेस एडवाइस दे रहा है, बहुत लोग जो मिस्टेक करते हैं, तो सबसे पहले आप जो भी टी शर्ट का साइज पहनते हो उससे एक साइज कम लेना, क्योंकि वेने वे यू कट इट है तो फिर लैट्स वो अच्छा दिखता है, ज़्यादा पॉप होता है। सो ये उनैन का टी शर्ट है, इस बिहाइंड द कैमरा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, एक मार्कर ले लो या फिर चॉक ले लो, वॉट एवर इज मोर कन्वीनियंट, एंड ये वाला जो स्लीव होता है ना उसके आगे पुट 4 fingers, उन्होंने ये इस साइड से put 4 fingers and एक mark कर लो, same for the other side. And whenever you are cutting a stringer, तो फिर याद रखना कि आगे का side and पीछे का side the cutting measurements are different. And whenever you are cutting a tank top, तो फिर याद रखना कि it is the same. So and हाँ, यहाँ पे
अगर आपके लैट्स काफ़ी ज़्यादा अगर ऊपर इंसर्ट होते हैं तो फिर कीप अराउंड 4 फिंगर्स यहाँ पे, 4 to 5 फिंगर्स, एंड इफ़ योर लैट्स इंसर्ट प्रिटी लो तो फिर आप और ज़्यादा लो जा सकते हो. सो यहाँ पे गो 4 फिंगर्स. व्हेनेवर यू आर कटिंग अप अ टी शर्ट हमेशा याद रखना कि डू नॉट कट इट व्हाइल लिसनिंग टू EDM. मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, आप ज़्यादा कट पक्का कर दोगे. तो इस साइड में 4, इस साइड में भी 4, एंड कट करने के टाइम पे थोड़ा सा बी लाइक मोर ऑन द कंजर्वेटिव साइड, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर है ना कम कर दो, क्योंकि मैंने वो कट एंड धोने डाल दोगे ना फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, थोड़ा सा अंदर वो स्लीव्स रोलिंग हो जाता है. दैट इज़ अ प्रीटी कूल लुक. एंड ये वाला कट कर दो. एंड व्हाट यू नीड टू डू अगर आपको यू आर लाइक गोइंग फॉर दैट लुक, तो फिर जो नीचे का है वो भी आप कट कर सकते हो. दैट इज़ लाइक टोटली डिपेंडेंट ऑन यू. Heard of. What the blazes did you get off that island? When you marooned me on that godforsaken spit of land, you forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. Come on.